देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र फाइंड करेंगे। किसके लिए? पतले लेंस के लिए। तो अभी हमने किसके लिए किया था? गोलीय पृष्ठ के लिए। चाहे गोलीय अवतल पृष्ठ हो, चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ हो, वो जो हमने फार्मूला अभी प्रूव किया था वो दोनों के लिए था। लेकिन अब हम पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। तो पहले हमने जो अभी निकाला है फार्मूला, अभी जो हमने फार्मूला बनाया उसे लिखते हैं। तो पहले या फिर हम चित्र बना लेते हैं। देखिए इसके लिए कौन सा चित्र आएगा और वो पहले चित्र बना लेते हैं, फिर हमने जो अभी फार्मूला डेरिवेट किया था उसका इसमें क्या यूज होगा वो हम आपको समझाएंगे। तो हमने क्या किया, एक चित्र बनाया इसके लिए और इसमें उसका यूज करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे, आप देखते रहिए। इसके दो सरफेस हैं, ये लेंस है, इस लेंस के ये लेंस जो एल है इसके दो सरफेस हैं, ये वाला फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से कोई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है और उससे कोई लाइट रे चली, तो जब लाइट रे चलेगी तो वो लाइट रे क्या करेगी, इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगी। इमेज बनाएगी, इसने जो फर्स्ट सरफेस है इसने इमेज को यहाँ बना दिया, मान लेते हैं यहाँ इमेज बना दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बनी इसको मैंने नाम दे दिया आई डैश। अब क्या करेगा, ये तो पहले वाले, पहले सरफेस के कारण बनी है, अब दूसरा सरफेस भी तो है, तो वो क्या करेगा इस इमेज को ऑब्जेक्ट समझ के इसका एक और इमेज बना देगा, जो कि सेकंड, आप कह सकते हैं सेकंड इमेज होगा या कह सकते हैं फाइनल इमेज होगा। वो कहां बनेगा, वो यहां बनेगा, ये फाइनल इमेज बन गया। तो फर्स्ट सरफेस का जो ये जो फर्स्ट सरफेस की जो डिस्टेंस है, ये जो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फर्स्ट सरफेस से, इसको मैंने यू मान लिया। और जो इस फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज बनी है, जो कि फर्स्ट इमेज बनी है, उसकी डिस्टेंस मैंने मान ली वी डैश। अब चूंकि इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये जो वी डैश है ये यू का काम करेगी, लेकिन कुछ इसकी थिकनेस भी होगी। अगर मैं आपसे कहूं इसकी थिकनेस टी है, तो जब ये वाला सरफेस इसको यू मानेगा, क्योंकि इसको इमेज डिस्टेंस ना मान के वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानेगा, तो जब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानेगा तो बी डैश तो यहां से मेजर किया गया है, और जबकि ये सेकंड सरफेस स्टार्ट यहां से हुआ है तो उसमें टी लेस हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर मैं इसी डिस्टेंस को इस सरफेस से मेजर करूं तो कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा बी डैश माइनस टी। तो यानी कि ये वाला सरफेस इसको जब यू की तरह कंसीडर करेगा तो वो बी डैश को नहीं मानेगा, वो मानेगा बी डैश माइनस टी। अब चूंकि ये फाइनल इमेज बन रही है तो सेकंड सरफेस के कारण बन रही है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं बी। तो ये हो गई बी। और चूंकि ये कहां से नापी जाएगी, इस लेंस के सेकंड सरफेस से नापी जाएगी, तो मैंने इसको यहां से माना है, नापा है, मेजर किया है। हालांकि मैं जब सॉल्व करूंगा तो उसमें टी को छोड़ भी सकता हूं। क्यों छोड़ सकता हूं, उसका रीजन है, टी को मैं छोड़ सकता हूं, मैंने हालांकि लिख दिया है लेकिन मैं नहीं दिखा सकता हूं तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पहले ही लिख दिया है पतला लेंस। क्योंकि जब ये लेंस पतला होगा उस केस में ये जो टी है वो बी डैश के कंपेरिजन में बहुत कम होगी। तो जब टी बी डैश के कंपेरिजन में बहुत कम होगी तो यानी कि या तो बी डैश कहो और या बी डैश माइनस टी कहो, तो इन दोनों में जो फर्क आएगा वो बहुत माइनर फर्क होगा। तो उस माइनर से फर्क की वजह से हम टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ दिखा दिया है, कुछ बुक्स में दिखाया जाता है इसलिए हमने दिखा दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे, अब हमने गोलीय अपवर्तन के लिए क्या, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हमने प्रूव किया था, तो हम यहां लिख दे रहे हैं गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हमारे पास क्या आया था वो हम लिखेंगे जरूर। वो आया था एन टू माइनस एन वन अपॉन आर बराबर एन टू अपॉन बी माइनस एन वन अपॉन यू, ये आया था। तो इसका हम यूज करेंगे दो बार, एक फर्स्ट सरफेस के लिए। अच्छा, इसमें जो अपवर्तन होंगे वो किस टाइप से होंगे, उनको आप कैसे कंसीडर करेंगे, क्या मानेंगे? तो ये चूंकि एयर मीडियम है, लेंस के इधर का एयर मीडियम है, तो ये एन वन,
लेंस के अंदर का ये मीडियम है ग्लास मीडियम है, ये मटेरियल से बना है, डेंसर मीडियम है तो इसको एन टू, फिर चूंकि एयर मीडियम है तो ये भी एन वन। तो हमारे पास तीन मीडियम हो गए, कहने को तीन मीडियम है लेकिन है वो दो ही, एन वन एन टू एन वन, तो तीन मीडियम लग रहे हैं कि तीन मीडियम है लेकिन नहीं, ये एन वन एन टू तो सेम है, एन वन एन वन दोनों सेम है, एन टू यानी दो मीडियम है। अब हम यहां क्या करेंगे, फर्स्ट सरफेस के लिए लिखेंगे, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, तब प्रथम पृष्ठ के लिए लेंगे तो लिखेंगे एन वन एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, या यहां लिख दे रहे हैं, यहां आएगा नहीं क्योंकि यहां से ये लिखा हुआ है, तो हम यहां लिख रहे हैं एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। अब चूंकि पहला पृष्ठ है तो इसमें भी हमें आर वन आर टू रेडियस लेने पड़ेंगे, तो हमने यहां इसको आर वन मान लिया। एन टू एन टू अपॉन बी है तो हमारे पास एन टू अपॉन बी आएगा, लेकिन चूंकि ये बी है तो हम ये इसको क्या मानेंगे, बी डैश, क्योंकि इसमें हमने जो इमेज है वो बी पे नहीं बन रही है, फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज बी पे नहीं बन रही है, बी डैश में बन रही है, तो हम यहां बी डैश लेंगे। माइनस एन वन अपॉन ये यू ही लेंगे क्योंकि ये तो सेम है यू, भाई फर्स्ट सरफेस के लिए यू है, लेकिन फर्स्ट सरफेस के लिए जो जो बी था, जो अब तक हम बी मानते आए थे, वो बी ना होकर बी डैश है, तो हमने इसीलिए बी डैश यहां लिखा है। इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको कर दिया। अब हम लिखेंगे सेकेंड सरफेस के कारण, दूसरे पृष्ठ के कारण, दूसरे पृष्ठ के कारण, दूसरे पृष्ठ के कारण हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर ये बदल जाएंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो लाइट है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, अब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो ये सब पलट जाएंगे, तो यहां हो जाएगा एन वन माइनस एन टू बाई आर टू, क्योंकि वो सेकेंड सरफेस है, बराबर ये हो जाएगा एन टू अपॉन, अब देखिए एन वन अपॉन, यहां पर हमारे सामने क्या आएगा, हमारे सामने आएगा एन टू अपॉन, यानी कि मैं अब यहां पर किस तरीके से इसको हमें लेना पड़ेगा, तो हमें ये लेना पड़ेगा एन टू अपॉन, हमें लेना पड़ेगा एन टू अपॉन बी डैश माइनस ये टी, बी डैश माइनस टी लेंगे हम, हालांकि टी को छोड़ देंगे हम, और एन वन के नीचे क्या लेंगे, एन वन के नीचे क्या लेंगे, एन वन के नीचे लेंगे बी, क्योंकि जो फाइनल है ये बी, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी, हालांकि इसको हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये टी कंपैरिजन टू बी डैश कम है। तो देखिए पलट गए, अब आप कहोगे सर कैसे पलटे, देखो ये मीडियम चेंज हो गए, देखो जहां एन टू था वहां एन वन है, अच्छा ये एन टू पे बी डैश लिया था, यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एन टू के एन टू वाले मीडियम में फॉर्म हो रही है, अब इमेज किस में फॉर्म हो रही है, एन वन वाले मीडियम में, देखो फाइनल इमेज किस मीडियम में बन रही है, एन वन वाले में, तो इसीलिए हमने ये लिया है। अब इसको हम छोड़ेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे बी डैश के कंपेरिजन, चूंकि लेंस पतला है तो बी डैश के कंपेरिजन में टी बहुत कम होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि लेंस पतला है अतः बी डैश इज ग्रेटर देन टी, तो इस दशा में हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एन वन माइनस एन टू तो लिखेंगे ही, एन वन माइनस एन टू बटे आर टू बराबर एन वन अपॉन बी माइनस एन टू बटे बी डैश। अब ये इक्वेशन नंबर दो हमारी बन गई, ये टी के साथ दिखा गए, एक बार हमने दिखा दिया और फिर हमने हटा दिया। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ सकते हैं, समीकरण एक और दो को, क्योंकि हमें इनसे रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे, समीकरण वन प्लस टू कर देंगे, तो वन हमारे पास क्या इक्वेशन है, एन टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन
बराबर एन टू बटे बी डैश माइनस एन वन अपॉन यू, दूसरी है एन वन माइनस एन टू बटे आर टू बराबर एन वन अपॉन बी माइनस एन टू अपॉन बी डैश, एन टू अपॉन बी डैश। हालांकि ये टी के बारे में हमने लिख दिया है पहले ये वाली इक्वेशन, या यहां से उतार लो या वहां से उतार लो एक ही बात है, बस आप यहां से उतारो टी, टी मत लिखना। ये आ गई देखो, चेक कर लो, बिल्कुल सही है। अब हम इसको कैसे काटें, तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड किया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा। अब ये कैसे कैंसिल आउट होंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है और सेम है तो कैंसिल हो गए। जब ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एन वन अपॉन बी बचेगा, एन वन अपॉन बी पॉजिटिव ही रहेगा तो एन वन अपॉन बी लिख दो, और माइनस हमारे पास क्या बचेगा, एन वन अपॉन यू। यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करना है भाई, डिस्कस क्या करना है, ये प्लस है तो ये पहले एक बार ऐसे ही लिख लो, तो हमने लिख दिया एन टू अपॉन माइनस एन वन अपॉन आर वन प्लस, प्लस का साइन लगाएंगे एन वन माइनस एन टू बटे आर टू। अब इन्हें एक जैसा करा जा सकता है अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन माइनस, माइनस यहां से कॉमन लिया है तो ये घूम जाएंगे, तो एन टू माइनस एन वन अपॉन आर टू बराबर एन वन इसमें से कॉमन आ रहा है तो एन वन कॉमन आ गया तो वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू। इसमें से ऊपर कॉमन आ रहा है क्योंकि ये जो इसका अंश है वो एक सा है, तो एन टू माइनस एन वन, तो यहाँ क्या बचा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बराबर क्या बचा, बराबर हमारे पास बचा एन वन वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। अब चूंकि ये एन वन हम यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ इसके इसे रोक देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये इसके नीचे चला गया, तो ये हो गया एन टू बटे एन वन माइनस एन वन अपॉन एन वन, क्योंकि ये दोनों के नीचे चला जाएगा भाई, यहाँ यहाँ आएगा नहीं, यहाँ एन वन तो ये दोनों का ही होगा वो, बराबर क्या बचा, हमारे पास बचा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बराबर क्या बचा, बराबर बचा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। अब ये ब्रैकेट है पूरी, अब देखो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये एन टू बटे एन वन है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एन वन को मैं अगर ईयर ईयर कंसीडर कर रहा हूं तो इसको ग्लास, तो मैं इसको लिख सकता हूं एन जी अपॉन एन ए, एन जी अपॉन एन ए लिख सकता हूं, ये हो जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बराबर वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। इस केस में तो लिख सकता हूं क्योंकि मेरे मुझे मालूम है एयर और ग्लास है, क्योंकि बाहर एयर है और दोनों साइड में एयर है और बीच में ग्लास है, तो मैं लिख सकता हूं। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने इस तरह से लिखा, वन अपॉन एफ वन अपॉन यू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू बराबर, इसको लिख सकते हैं ए एन जी, ए एन जी भी तो लिख सकते हैं क्योंकि इसी का तो मतलब होता है एन जी अपॉन एन ए, और लिख दिया हमने वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब चूंकि यहां पर ये फार्मूला वन अपॉन बी और वन अपॉन यू क्या होगा भाई, वन अपॉन यू और वन अपॉन ये वन अपॉन एफ के बराबर होते हैं, तो ए एन जी माइनस वन और वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू। अगर मीडियम ये जो एयर मीडियम है ये बदला हुआ है, तो हम इसको इनको ना लिख के हम यहां सिर्फ एन बी लिख सकते हैं या म्यू लिख सकते हैं, म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू बराबर वन अपॉन एफ, ये हमारा फार्मूला बन गया। तो ये है हमारा लेंस मेकर फार्मूला, या फिर इसे हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, या कहते हैं गोलीय पृष्ठ, या कहते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र याद है, और इसको लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं।
तो अगर एग्जाम में लेंस मेकर फार्मूला करके आया तब भी आप यही लिखेंगे, और पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आए तब भी यही लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।